अपनी यादों के झरोखे से निकली हुई पहली कहानी आपको सुनाती हूं। कहानी का नाम है उम्र कैद। 20 साल पहले जिन ख्वाबों के पर कतर दिए गए थे, वह एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार थे। वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठी, पर जब भी कॉल करती, रूट व्यस्त है का मैसेज आ जाता। एक ही नंबर पर बार बार कॉल करते उसके पति ने आखिर देख ही लिया और पूछ बैठे, किसे बार बार कॉल कर रही हो? कुछ खास बात है क्या? अब सुर भी क्या करती? कही, नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस वो बचपन की एक सहेली है, बहुत दिनों के बाद उसका नंबर मिला है, उसी को कोशिश कर रही थी, कुछ हकलाती हुई सुरभि ने कहा। वह डर रही थी कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। अब बाद में कर लेना, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, उसके पति कुणाल ने कहा। जी जी, कहते हुए उसने फोन अपने से अलग रख दिया। अमोल उसके कॉलेज का दोस्त था, दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर सुरभि की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिस कारण जल्द ही उन्होंने सुरभि की शादी कुणाल से करवा दी। सुरभि अपनी आत्मा अमोल को सौंप कर सिर्फ शरीर लेकर कुणाल के साथ चली आई। अमोल भी सुरभि की याद में जीवन गुजारने का संकल्प ले उससे दूर चला गया। अब 20 वर्षों के बाद जब अमोल का मोबाइल नंबर उसे मिला, तो वह उससे बात करने का लोभ रोक न सकी। नंबर मिलते ही उसकी पुरानी यादें फिर से ताजी हो गईं। दूसरे दिन गुरुवार था, अतः पति को दफ्तर भेज जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटा उसने साईं बाबा की पूजा की। पूजा समाप्त कर सुरभि ने मन ही मन उनका सुमिरन कर प्रार्थना की। हे साईं, सुना है तुम्हारे दर से किसी की झोली खाली नहीं गई, प्रभु फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? आज फिर मैं तुम्हारा नाम ले कोशिश करती हूँ, साईं कृपा करना। इतना कह मन में साईं का ध्यान रखते हुए उसने 50वीं बार आशा निराशा के बीच झूलते हुए नंबर मिलाया। दो चार रिंग के बाद ही उधर से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहे हैं? सुरभि इस प्रत्युत्तर के लिए तैयार नहीं थी, कुछ सकपकाते हुए बोली, जी जी, मैं सुरभि नागपुर से, क्या आप अमोल जी हैं? जी नहीं मैडम, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? सुरभि ने कहा। उधर से आवाज आई, जी कोशिश कर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में उनका पीए वापस फोन पर आकर कहा, मैडम सर लाइन पर हैं, आप बात कर सकती हैं। सुरभि ने धड़कते दिल से हेलो कहा। यस, अमोल स्पीकिंग, कहिए कौन है आप और क्या काम है मुझसे? उधर से आवाज आई। अमोल की आवाज सुन सुरभि के कानों में जैसे रस घुल गया, वह अपना सुदबुद खो बैठी। जब इधर से कुछ आवाज नहीं आई तो अमोल ने फिर हेलो हेलो कहा। यह सुन सुरभि हड़बड़ा कर कही, जी जी, मैं सुरभि नागपुर से बोल रही हूं। अमोल नाम सुनकर चौंक उठा, आवाज भी मुझे कुछ पहचानी सी लगी। सुरु, सुरु तुम सुरभि हो ना? मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, 20 वर्ष बाद कैसे याद किया? अब तक सुरभि संयत हो चुकी थी, बड़े ही शांत स्वर में कही, भूली ही कहां थी जो याद करती? अमोल आश्चर्य से बोला, और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? एक आईएएस ऑफिसर का नंबर खोजना कौन सा मुश्किल है, पर बात आज 50वीं प्रयास के बाद ही हो पाई। खैर छोड़ो, कैसे हो? सुरभि ने कहा। जी रहा हूं, जिस हाल में छोड़कर गई थी बस वैसा ही हूं, अमोल ने कहा। दोनों ही ओर से एक दूसरे के गिले शिकवे हुए। बहुत देर तक बात करने के बाद सुरभि ने कहा, बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूं। कब? अमोल ने कहा।
मरने से पहले, सुरभि बोली। कब मरोगी? अमोल ने मजाकिया लहजे में कहा, पर सुरभि गंभीर थी। कही, यही तो नहीं जानती, चाहती तो आज ही हूं। अमोल ने शुष्क लहजे में कहा, छोड़ो सुरु, क्यों अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो? अगर हमें मिलना ही होता तो हम अलग ही क्यों होते? तुम्हारी माँ को तो मुझसे इतनी नफरत थी कि जब सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर उनके सामने तुम्हारा हाथ इस आस में मांगने गया था कि अब शायद उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, पर उन्होंने गिन कर मुझे 100 चांटे मारे थे। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम भी हालात के आगे मजबूर थी, पर जो उम्र कैद इस जन्म में तुम्हारी माँ हम दोनों को दे गई हैं, क्यों ना उसे अभी ही हम पूरा करें, ताकि अगले जन्म में हमें कोई अलग करने की सजा न दे सके। यह सुनकर सुरभि कुछ बोल नहीं पाई, बस फोन पर उसके सिसकियों की आवाज गूंजती रही। इतनी सी थी ये कहानी।